हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एनएन टीवी। एक दिल दहलाने वाला हादसा महाराष्ट्र के शहर नागपुर में हुआ है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, शक्करदरा का जो हादसा है वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। आज हमारे साथ ये है, इनके घर से चार लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे, जो गणपति विसर्जन करके आ रहे थे और एक शराबी ने अपने नशे की गलत आदतों की वजह से चार बेकसूर जानों को इस दुनिया से हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। हमारे साथ और भी लोग हैं, इनके चीजा जी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। अभी हम हैं मेडिकल हॉस्पिटल में। ये जो पैरामाइस आप देख रहे हैं, ये मेडिकल हॉस्पिटल का पैरामाइस है। अभी हम हैं मेडिकल हॉस्पिटल में और किसी के रिश्तेदार हैं यहाँ जो भर्ती है अभी। इनकी भी दीदी और जीजा इस हादसे का शिकार हुए हैं और वो भी अभी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। और कुछ बच्चे हैं, इनके भांजे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा, उनके भी हाथ पैर टूट गए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो सब लोग इकट्ठा हुए हैं, इनको इकट्ठा करने का मकसद ये है कि इंसाफ दिया जाए। क्योंकि हमें अभी अभी पता चला है, पुलिस ने मामूली सी एक्सीडेंट की कलम लगाकर आरोपी को सेंट्रल जेल पास कर दिया है। अगर ऐसा होता है तो ये सरासर सभी लोगों के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफी होगी। सबसे पहले इनसे बात करते हैं, जिनके घर से चार लोग अब इस दुनिया में नहीं है, कौन है वो, उनके क्या नाम है, आइए बात करते हैं। आपका नाम बताइए। राहुल टोकरे जी, बताइए कि जो चार लोग हैं जो एक्सीडेंट में अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके नाम बताइए हमारे दर्शकों। उसमें से एक मेरे बड़े जीजा जी विनोद खापेकर, उनकी मम्मी है लक्ष्मीबाई खापेकर, दो भांजे, एक विवान खापेकर और वेदांत खापेकर। अच्छा, भांजों की उम्र क्या रही होगी? छोटा वाला भांजा विवान जो है वो 5 साल का है और जो बड़ा वाला है वो 11 साल का है। तो 5 और 11 साल के बच्चों का क्या कसूर था कि एक आदमी नशे में धुत होकर बच्चों पर, बूढ़ों पर, जवानों पर कार चढ़ा देता है और पुलिस एक मामूली सी कलम लगाकर उसे सेंट्रल जेल पास कर देती है। और अगर सिर्फ एक्सीडेंट की कलम लगेगी तो 1 से 2 दिन में आप लिख कर ले लीजिए, वो आरोपी बाहर आ जाएगा और जिनके घरों की जिंदगियां उजड़ गई उन्हें इंसाफ कौन दिलाएगा। और बताइए कि कहां से आ रहे थे आपकी जीजा जी? वो जीजा जी के बड़े भाई रहते हैं डिघोरी में, वहां से गणपति विसर्जन करके घर लौट रहे थे। अच्छा, तो वहीं पर फ्लाईओवर के ऊपर ऐसा एक एक्सीडेंट हुआ। गणपति विसर्जन कर आ रहे थे और उनका एक्सीडेंट हो गया। तो चारों मौके पर ही, पता तो चला कि चारों स्पॉट पर ही नहीं रह करके। अच्छा, जब हम यहाँ पर आए तो पता चला कि चारों निकल गए थे। अच्छा, जो फ्लाईओवर के नीचे जो गिरे थे, आप उन्हीं के घर से हो? वही जीजा जी जो है वो जो फ्लाईओवर से गिरे थे। तो जो बच्चे हैं वो भी नीचे गिरे थे या फ्लाईओवर? 2 जन ऊपर थे बोले, 2 जन नीचे गिर चुके थे। नीचे कौन कौन गिरा था? बड़ा भांजा वेदांत और जीजा जी। एक 11 साल का बच्चा वेदांत और इनके जीजा जी फ्लाईओवर से नीचे गिर जाते हैं। आप सोचिए कि कितनी भयंकर और भयानक टक्कर गाड़ी वाले ने मारी। इन्हें इंसाफ दिलाने के लिए इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि यह महाराष्ट्र के गृह मंत्री तक पहुँच जाए और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर तक पहुँच जाए, ताकि इनको इंसाफ मिले, इनको इंसाफ मिले, हमारी बहनों को इंसाफ मिले। जी, आपका नाम बताइए। इकरार रहमान जी, बताइए आपके साथ क्या हादसा हुआ? ये हमारे जीजा जी आ रहे थे तो वो गाड़ी वाला रॉन्ग साइड आके पहले इनके गाड़ी को उड़ा दिया। वो 2 जन नीचे गिर गए, 2 जन ऊपर स्पॉट डेड हो गई। उसके बाद एक बुलेट वाले को गिरा दिया, उसको भी डेड हो गई। और एक ब्लू कलर की गाड़ी थी, उसके बाद मेरे जीजा को मारा जो काफ़ी सीरियस है इस दवाखाने में। आज 5 दिन हो गए, डॉक्टर साहब वही बोल रहे हैं कि मशीनों पे चल रही है, बहुत ही ज़्यादा सीरियस बता रही है। और हमारी दीदी की टांग टूट गई है और पीठ में भी मार आई है, डॉक्टर उनका ऑपरेशन करने बोल रहे हैं। और ये पुलिस वाले जो है हमारे, तो ये मामूली कलम लगा के आरोपी को जे सेंट्रल जेल पास करा दे रहे। और जो हमारी सिस्टर है उन्होंने बाकायदा बिल्कुल फेस टू फेस उनको, जो आरोपी है उनको फेस टू फेस देखा है, ना इनको बुलाए क्लियर करने की आरोपी है कि नहीं है, बस उनने कलम लगाई और सेंट्रल जेल पास कर दिए। इनका काम था सर का कम से कम कि इनको मेन आरोपी को बुला के कम से कम उनको
डिस्कस करना था कि ये आरोपी है नहीं है, बस ये डायरेक्ट डायरेक्ट पार करा दिए सर, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए, बस हम यही दरख्वास्त करते हैं और इसी पे हमारी पिटी हुई है, बस यही चाहते हैं हम कि हमको इंसाफ मिले। तो एक नागपुर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन जिसका एक लॉन भी है, क्या वो लगातार प्रेशर डाल रहा है पुलिस वालों पर, क्या है पूरा मामला, इसकी तहकीकात जानेंगे। आप सिर्फ NNTV के माध्यम से पूरी रिपोर्ट को देख रहे हैं, और भी मजलूम है यहाँ पे, बारी बारी से सबसे बात करेंगे। फिलहाल आप लोग यहाँ भीड़ मत लगाइए, हॉस्पिटल है यहाँ पे, आप डिस्टर्ब मत कीजिए, आप लोग हट जाइए, जो लोग हैं सिर्फ उन्हें ही बात करने दीजिए, ये लाइव सेशन चल रहा है। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम मेडिकल हॉस्पिटल में हैं, यहाँ पे बहुत सारे विक्टिम को एक साथ हमने जमा किया है, क्योंकि बहुत सारे रूमर फैल रहे हैं कि कितने लोग मरे हैं, कितने लोग नहीं मरे। कुछ लोग मेवा हॉस्पिटल में भी भर्ती है, कुछ लोग मेडिकल में भर्ती है, कुछ लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में भी भर्ती है। तो सबका एक डाटा कलेक्ट कर एक पूरी डॉक्यूमेंट्री उसके लिए बनाई जाएगी NNTV के माध्यम से। बने रहिए NNTV के साथ, आगे जो भी रिपोर्ट आपके लिए आएगी NNTV आपको लगातार देता रहेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Thank you.